हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि हमको पता है कि जब से जीवन आया पृथ्वी पर, तब से विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न बायोलॉजिस्ट ने कोशिश करी है कि जीवन को हम कैसे क्लासिफाई करें, उसका वर्गीकरण कैसे करें। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण करने का एक नियम दिया या एक पद्धति दी, एक मेथड दिया। तो आज हम देखने वाले हैं कि अलग अलग जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कौन कौन से डाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड्स दिए हुए हैं, और उसके अलावा हम देखने वाले हैं कि जो हमारा एनिमल किंगडम है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक ब्रॉड आउटव्यू से कि पूरी लाइफ को हम बेसिकली अगर देखें तो आजकल हम वैसे तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन लेते हैं। तो जो कार्ल लिनियस ने जो सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, बेसिकली किसी भी स्पीशीज को हम क्या करते हैं, किसी भी जंतु के नाम को हम 2 अक्षरों से कहते हैं। जैसे कि एक होता है जीनस, एक होता है स्पीशीज। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। तो होमो इसमें क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, इसमें स्पीशीज है। तो बेसिकली किसी भी एनिमल को या प्लांट को, किसी भी लाइफ फॉर्म को हम बेसिकली ऐसे ब्रॉड व्यू में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले उसको हम किंगडम में डालते हैं, उसके बाद हम उसके फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स के बेस पर उसको क्लासिफाई करते हैं, और उसको हम फाइलम में डालते हैं। फिर फाइलम के अंदर भी उसको और क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं कि एक जैसे गुण वाले कौन है, उनको एक ग्रुप में रखते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं क्लास। क्लास के बाद फिर और उसको क्लासिफाई करते हैं और उसको डालते हैं हम ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद इसी तरीके से फिर फैमिली आती है, फैमिली के बाद नीचे जीनस आता है, और जीनस के बाद फिर स्पीशीज आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक तरह की स्पीशीज हैं, एक तरह के गुण वाले जो स्पीशीज हैं, उनका ग्रुप जो होता है उसको हम जीनस कहते हैं, और जो एक तरह के जीनस वाले गुण वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम एक फैमिली में डालते हैं। कुछ फैमिलियां मिलाकर एक ऑर्डर बनाती हैं, कुछ ऑर्डर मिलाकर एक क्लास बनाते हैं, कुछ क्लास मिलाकर एक फाइलम बनाते हैं, और फाइलम अगर मिल जाए तो उनको हम एक किंगडम कहते हैं। अब एक किंगडम क्या चीज होती है, बेसिकली हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ। एरिस्टोटल के समय से ही कोशिश हो गई थी कि हम इनका वर्गीकरण कैसे करें, क्लासिफिकेशन कैसे करें। तो सबसे पहले जो है एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ये कार्ल लिनियस ने दिया था, और उन्होंने जो है 1735 में ये 1735 में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 ग्रुप रखे थे। उन्होंने रखे थे प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स को उन्होंने प्लांटी कह दिया था, किंगडम प्लांटी, और एनिमल्स को उन्होंने किंगडम एनिमेलिया कह दिया था। तो बेसिकली 2 उन्होंने ग्रुप करे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, कि या तो पेड़ ही होगा, पेड़ पौधे वाले ग्रुप में ही आएगा जिसमें क्लोरोफिल होती है या जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एक दूसरा जो एनिमल लाएगा, जो नहीं करता है तो वो एनिमल्स हो गए, एनिमल किंगडम आ गए। उसके बाद फिर जब अर्नेस्ट हेगल 1866 में जब वो काम कर रहे थे अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी पर, तो उन्होंने कहा कि एक और तीसरा किंगडम होता है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। इसमें उन्होंने क्या करा, इसमें उन्होंने सारे के सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, तो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपके पैरामीशियम हो गए, इस तरह के जो भी ये लाइफ फॉर्म्स थे उन्होंने उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। उसके बाद ये देखा गया कि जब हर्बर्ट कोपलैंड ने एक और नया किंगडम लॉन्च किया और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, मायाकोटा, जिसको कि आजकल हम क्या कहते हैं, मोनेरा कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो उन्होंने इसको एक नया किंगडम दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आर एच विटेकर ने दिया हुआ है, और उन्होंने एक इन चारों में, यानी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा, मायाकोटा में एक और किंगडम जोड़ा, और उन्होंने इसको कहा फंजाई। तो फंजाई कौन होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और नॉन ग्रीन होते हैं। अभी हम देखेंगे धीरे धीरे कि इनको अलग अलग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और ये चीजें होती क्या क्या है, किंगडम में क्या क्या इनके कैरेक्टर्स होते हैं मेन। उसके बाद जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एडवांस जो आजकल के बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो प्रोटिस्टा है, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, वो भी फर्दर हम उसको 2 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, आर्किबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। एक ट्रू बैक्टीरिया है, एक फॉल्स बैक्टीरिया, यानी है तो दोनों बैक्टीरिया, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि ये कैसे इनको क्लासिफाई अलग अलग करते हैं।
अगर हम देखें कि ये जो पांच किंगडम है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल किंगडम, कि इनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या टाइप होते हैं, इनको कैसे हम अलग अलग करते हैं, कि क्यों ये अलग अलग हैं, ये एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही किंगडम के अंदर क्यों नहीं है, या दो ही किंगडम में हम इनको क्यों नहीं कर सकते हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये किंगडम सही था, क्लासिफिकेशन का आसान तरीका था, लेकिन हम फिर भी इसको नहीं लेते हैं, हमने पांच किंगडम ले रखे हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमने ये पांच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ले रखा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोनरा की बात करते हैं और टाइप की बात करते हैं कि कौन से टाइप का होता है। मोनरा जो किंगडम होता है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल से बने हुए इंडिविजुअल्स होते हैं, एक ही सेल में इनका पूरा लाइफ फॉर्म होता है, और प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, ये आप लोगों को आशा करते हैं पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये चीजें आपको बेसिक्स हैं, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन ये यूकैरियोट्स होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। फंजाई जो होता है वो मल्टीसेलुलर। अब आप देखिए कि यहाँ ये जो दो किंगडम है ये यूनिसेलुलर है, इनमें यहाँ तक कॉमन है, लेकिन ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, तो ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हो गए। मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं एक इंडिविजुअल को, एक ही सेल से इंडिविजुअल नहीं बनता है, एक से ज्यादा सेल से बनता है, तो मल्टीसेलुलर होते हैं और नॉन ग्रीन होते हैं। फंजाई आपने देखा होगा, मशरूम, सिंपल सा एग्जांपल है मशरूम, जो आप सब्जी भी खाते हैं आप, जिसकी आपने कभी अगर आप फॉरेस्ट की तरफ को गए हैं तो आपने देखे होंगे मशरूम्स, जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं, तो वो इसके एग्जांपल हैं फंजाई के। और ये नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं प्लांटी में, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये मल्टीसेलुलर होता है, यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट ये भी हैं, लेकिन ये नॉन ग्रीन है और ये ग्रीन है, ये क्लोरोफिल है इनके अंदर, तो इनमें ये डिफरेंस है। उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं एनिमेलिया किंगडम में, एनिमल किंगडम में, और ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें जो सेल होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि ये भोजन कैसे करते हैं। तो जैसे मोनरा होते हैं वो या तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो इकोसिस्टम वाली यूनिट में जैसे हमने पढ़ा था कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो मोनरा होते हैं या तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से या कैसे अपना केमिकल सिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उसको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं आपको टाइगर का, टाइगर फोटोसिंथेसिस नहीं करता है लेकिन वो क्या करता है, भोजन दूसरे एनिमल को खाता है, तो वो हेटरोट्रॉप हो जाता है, दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। तो ये ऑटोट्रॉप होते हैं या हेटरोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई जो होते हैं सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, जो दूसरी चीजें सड़ी हुई चीजों पर उगते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। पैरासाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं यानी कि दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। पैरासाइट्स आप सभी को पता है पैरासाइट क्या होते हैं, तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका हो सकता है। और कभी कभी ये सिम्बायोटिक भी पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक होता है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि दोनों को फायदा होगा, या तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, या तो एक को फायदा होगा तो म्यूचुअलिज्म हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फंजाई में कभी कभी पाया जाता है। अब प्लांटी में जो होते हैं, प्लांट किंगडम जो होता है वो टोटली ऑटोट्रॉपिक होता है, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट और वाटर की मदद से, CO2 की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए सारे के सारे प्लांट किंगडम में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पीशीज होती हैं, ये सारी की सारी ऑटोट्रॉपिक होती हैं। एनिमल किंगडम की बात करें तो ये टोटली हेटरोट्रॉपिक हैं और कभी भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, और हमेशा ये दूसरे इंडिविजुअल्स पर, दूसरी स्पीशीज पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। अगली बात करें हम बॉडी की, कि बॉडी में क्या स्पेशलाइजेशन होता है इनके। तो ये इनके पास जो होता है मोनरा, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं इनके पास, क्योंकि एक ही सेल है और सेल के अंदर भी, और वो भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और जो सेल ऑर्गेनेल है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, कि ऑर्गेनेल सिस्टम जो सेल के अंदर होता है वो भी इनका वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्रोटिस्टा की बात करें, ये क्या होते हैं, टोटली मूवमेंट ये तकरीबन नहीं करते हैं, या दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इस तरह का मूवमेंट इनमें होता है।
ये जो होता है इनमें स्यूडोपोडियम होता है, जैसे अमीबा में हम देखते हैं तो स्यूडोपोडिया होता है उसमें बना हुआ, तो इस तरीके के स्यूडोपोडियम ये यूज करते हैं, या सीलिया यूज करते हैं जैसे हमने पैरामीशियम में देखा, या फ्लैजेला भी हो सकता है जैसे हमने यूग्लिना में देखते हैं और चीजों में देखते हैं, तो फ्लैजेलर मूवमेंट भी इनका हो सकता है। फंजाई जो होता है वो लॉन्ग फिलामेंट के बने होते हैं जिसको हाइफा कहते हैं, और जब बहुत सारे हाइफा का नेटवर्क जुड़ जाता है तो उसको माइसीलियम कह देते हैं हम लोग, माइसीलियम। ये क्या है? ये है नेटवर्क ऑफ हाइफा। नेटवर्क ऑफ हाइफा होता है माइसीलियम, तो फंजाई में जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट किंगडम जो होता है, प्लांट किंगडम में हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो स्पेशलाइज होते हैं किसी चीज के लिए, जैसे हमने देखा है कि यूकैरियोटिक सेल हैं तो ट्रू सेल हैं, तो जो ट्रू न्यूक्लियस है क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा राइबोसोम्स होंगे सेल के अंदर। इसके अलावा उनके कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी स्पेशलाइज होते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा कि ट्रांसपिरेशन के लिए फाइलम हो गया, जाइलम हो गया, इस तरीके के जो चीजें हैं, फूड के लिए जैसे फ्लोएम हो गया, तो इस तरीके के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के अंदर। लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, रूट्स होता है वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टेम होता है वो सपोर्ट करता है बॉडी को, तो हर बॉडी का जो ऑर्गेनेल है वो स्पेशलाइज है किसी भी काम को करने के लिए, तो इस तरीके के जो स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो मिलता है प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में भी सिमिलर होता है ये, प्लांट्स की तरह अगर हम देखें कि हमारे पास भी अगर एनिमल्स की बात करें, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल है, तो हम देखते हैं कि उनके जो भी ऑर्गन है उनका हर एक का एक इंडिविजुअल फंक्शन डिफाइंड होता है, जैसे आईज का काम है देखना, कान का काम है सुनना, तो इस तरीके से हार्ट बीट होती है, हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, तो इस तरीके से हर एक ऑर्गन जो है उसका एक स्पेशलाइज्ड काम है, और हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हमको मिलते हैं, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स एज यू ऑल नो, तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं। आखिरी हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इनके अंदर आते हैं। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, और प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोट्स हैं ये भी, और यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं, इनके अंदर आते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इस तरीके की चीजें। फंजाई जैसे मैंने बताया था ये नॉन ग्रीन होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं ईस्ट, राइजोपस, मशरूम्स जैसे मैंने आपको बताया, मोल्ड्स। प्लांट किंगडम के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सभी को पता है कि जैसे ट्रीज हो गए अलग अलग प्रकार के, और सारे के सारे श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, तो ये जो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं ये सारे के सारे ट्री सिस्टम जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होता है और क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, उसको हम प्लांट किंगडम में रख देते हैं। फिर एनिमल किंगडम के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे एनिमल, इवन ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, और सारे के सारे भी हम देखेंगे आगे आकर कि इनका क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का हम कैसे करते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं, कौन कौन से इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कितने इस किंगडम के अंदर कितने फाइलम हैं, और क्लास लेवल तक हम देखेंगे कि इसका हम क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं एनिमल किंगडम का। तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन की, एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल किंगडम मल्टीसेलुलर होता है और ऑर्गन सिस्टम, ग्रिड ऑफ सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो एनिमल किंगडम को हम फर्दर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। चले देखते हैं कि एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले एनिमल किंगडम जो होता है उसको हम दो सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो सब किंगडम है उसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ मतलब होता है एनिमल। तो पहला एनिमल लाइक जो इंडिविजुअल्स आए उनको हम प्रोटोजोन्स में रखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पैरामीशियम उसका एक एग्जांपल है कि प्रोटोजोन्स का, और इसके हम जो डिटेल्ड कैरेक्टर्स हैं और क्लासिफिकेशन है वो आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि ये जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं इन सब कैटेगरीज के क्या क्या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन फर्दर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोटोजोन से। तो प्रोटोजोन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद एनिमल किंगडम को हमने दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया है, इसको एक फाइलम भी मान लिया जाता है प्रोटोजोन्स को कभी कभी। और दूसरा जो सब किंगडम है वो है मेटाजोआ। मेटाजोआ
और मेटा मतलब होता है बाद में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हमने मेटाजोन्स में रख दिया, और यानी कि ये यूनिसेलुलर हैं तो मेटाजोन्स क्या होंगे, वो मल्टीसेलुलर होंगे, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। और इसके अलावा इसको फिर हमने फर्दर दो अलग ग्रेड्स में डिवाइड किया है, वो है एंड्रोजोआ और उसके साथ है पैराजोआ। एंड्रोजोआ और पैराजोआ में जो बेसिक डिफरेंस है वो इनका कैविटी का है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डिफरेंशिएशन है। अगर आप देखें कि पैराजोआ जो होते हैं ये प्रिमिटिव फॉर्म है, एंड्रोजोआ जो है वो बाद के फॉर्म है, यानी कि वेल डेवलप्ड, ज़्यादा डेवलप्ड हैं इनसे। तो पैराजोआ जो होते हैं उनमें सेलुलर ग्रेड तो होता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या कैविटी है और जो माउथ है वो अब्सेंट होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें जो है एक फाइलम आता है पॉरीफेरा, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके स्पॉन्जेस। और पॉरीफेरा जो होता है वो बेसिकली उनका एक बेसिक कोई माउथ या कैविटी नहीं होती है, और एंट्री जो होती है वो बॉडी सरफेस से होती है, और जैसे ऑस्कुलम हम देखते हैं ऑस्कुलम से उनका एग्जिट पानी का होता है। तो स्पेसिफिक कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा कोई वो नहीं होता उनके पास। और लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है हमारी एंड्रोजोआ, एंड्रोजोआ के पास ये इनको इंफ्रा किंगडम भी कहते हैं। ये जो है ये किंगडम हो गया, ये सब किंगडम हो गया, और ये इंफ्रा किंगडम है, इंफ्रा किंगडम। तो बेसिकली दूसरा जो इंफ्रा किंगडम है एंड्रोजोआ, जो मैंने कहा कि पैराजोआ से ज़्यादा डेवलप्ड है, इसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड तो होता है, इसके अलावा एक ओबियस माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि इनका वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कोई एक स्पेसिफिक माउथ और स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिलोम जो होती है, कैविटी होती है, वो उनके अंदर होगी ही होगी, उनकी बॉडी के अंदर। इसको फिर हमने फर्दर जो है दो ग्रेड्स में डिवाइड किया है। तो हमने देखा एनिमल किंगडम, किंगडम के अंदर आया सब किंगडम, उसके अंदर आया इंफ्रा किंगडम, और उसके नीचे जो आते हैं वो आते हैं दो ग्रेड। पहला ग्रेड है रेडिएटा और दूसरा ग्रेड है बाइलेट्रिया। जैसे हम नाम से देख सकते हैं रेडिएटा, रेडिएटा कौन होते हैं, वो होते हैं जो कि बेसिकली बायोलेट्रिया होते हैं, जैसे बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री को डिफाइन करते हैं। सिमेट्री के बेस पर हमने दो ग्रेड बना दिए हैं, जो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे उनको हम कह देंगे रेडिएटा। तो रेडिएटा क्या हुए, ये हुए रेडियल सिमेट्री, बॉडी की जो होगी रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री से आप क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी दो भाग में विभाग कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है, या हो सकता है मैं इसको अलग अलग ऐसे कर सकता हूं, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल है। बाइसिमेट्री क्या होती है, बाइसिमेट्री होती है जैसे अगर आपने देखा, मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, इसको क्या आप रेडियल सिमेट्री कर सकते हैं, इसको आप नहीं कर सकते, इसको आप दो भागों में सीधे सीधे ऐसे बांट सकते हैं, तो इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री, और ये दो एक जैसे होंगे, तो सॉरी इसको कहते हैं बाइलेट्रल सिमेट्री। तो ये बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन रेडियल सिमेट्री इनमें नहीं होती है। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर जो फाइलम आता है वो एक फाइलम आता है, उसको कहते हैं निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेड्स भी कह देते हैं। सिलेंट्रेड्स इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल्स। कोरल रीफ्स के बारे में आपने सुना होगा, तो कोरल्स और ज़्यादातर ये जो होते हैं, ये जो फाइलम है, इस फाइलम का एक करेक्टर है कि ज़्यादातर ये फाइलम मराइन होता है, यानी कि खारे पानी में पाया जाता है। तो रेडियल सिमेट्री के बाद जो दूसरा ग्रेड है हमारा वो है बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं ये, और इसके अलावा इनका जो ऑर्गन ग्रेड ऑफ सिस्टम होता है और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सेपरेट होता है। तो ये कैरेक्टर्स जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं, ये कैरेक्टर्स इनके साथ, ये कैरेक्टर जैसे अगर हमने देखा कि मेटाजोआ में जो होता है वो बाद वाले मल्टीसेलुलर होते हैं, तो ये दोनों मल्टीसेलुलर हैं। इन एंड्रोजोआ भी मल्टीसेलुलर होगा और पैराजोआ भी मल्टीसेलुलर होगा, लेकिन इसमें जो होता है पैराजोआ में जो होता है वो माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी एब्सेंट होती है, जो एंड्रोजोआ है उसमें जो होता है वो डाइजेस्टिव कैविटी और माउथ प्रेजेंट होता है। तो रेडिएटा में क्योंकि ये सब एक क्लास है या कहें एक ग्रेड है
किसका इंफ्रा किंगडम एंट्रोज होगा, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर यानी कि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा, और ऑब्वियस है कि उनका माउथ और गैस्ट्रिकविटी प्रेजेंट होगी होगी, लेकिन जो सिमेट्री होगी वो रेडियल होगी। तो हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जैसे मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, पहले सिमिलर कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स को एक साथ रखते हैं, फिर देखते हैं कि उनमें और आपस में क्या सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो उन सब सिमिलर कैरेक्टर्स वालों को एक दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिक्स करते हैं, सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी करते हैं, उनकी सिस्टमेटिक उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग फैमिली में, ऑर्डर में, जीनस में, इस तरीके से हम उनको डिवाइड करते रहते हैं। तो इंफ्रा क्लास के बाद मैंने आपको दो ग्रेड बताया, रेडिएटा और बायलेट्रिया। बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल जो होते हैं वो दोबारा से फिर तीन सेक्शंस में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। इनके तीन सेक्शन कौन कौन से हैं, वो हैं यूकोप्लोमाटा, स्यूडोसिलोमाटा, और इसके बाद तीसरा है एसिलोमाटा। यूसिलोमाटा, स्यूडोसिलोमाटा और एसिलोमाटा। यू मतलब होता है ट्रू, जो यू का मतलब होता है ट्रू, और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और ए जहां पर लग गया, ए का मतलब होता है अब्सेंस, अब्सेंट। तो ए सिलोमाटा, सिलो सिलो मतलब होता है सील, किसके लिए करते हैं, सिलोम के लिए, कैविटी के लिए, और ए सिलोमाटा मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि ए सिलोमेट हैं, जिनमें कैविटी अब्सेंट है, और दूसरे हैं स्यूडोसिलोमाटा, जिसका मतलब होता है कि फॉल्स कैविटी, स्यूडो नकली कैविटी उनमें प्रेजेंट होती है, कैविटी होती है लेकिन पूरा ट्रू कैविटी नहीं होती है, और तीसरे हैं यूसिलोमाटा, यू का मतलब होता है ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। तो उनका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उनके अंदर ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। जो स्यूडोसिलोमाटा है, स्यूडोसील होती है इनके अंदर, इसको इसके अंदर एक फाइलम आता है, इसका नाम है एस्केहेलमिंथीस। एस्केहेलमिंथीस के एग्जाम्पल क्या है, एस्केरिस, जिससे एक बीमारी भी होती है आपको पता है एस्केरिसिस, और गुनियावाम है इसका एग्जाम्पल। उसी तरीके से जो एसिलोमेट है, जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, इसके अंदर भी एक ही फाइलम आता है, जिसको हम कहते हैं प्लैटीहेलमिंथीस। ये बहुत ही पैरासाइटिक एक तरह की दो फाइलम्स हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर भी बहुत से डिजीज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा टेपवॉर्म के बारे में, लिवर फ्लूक के बारे में। तो ये कुछ ऐसी दो फाइलम हैं जो कि एक तरह की पैरासाइटिक मोड ऑफ इनका न्यूट्रिशन होता है, और जनरली जो होता है ये मल्टीसेलुलर होते हैं। टेपवॉर्म आपने देखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और यूकैरियोटिक होते हैं ये। तो प्लैटीहेलमिंथीस और स्यूडोसिलोमेट्स के अंदर एस्केहेलमिंथीस, तो इन दोनों में फर्क बिल्कुल यही है कि इसमें जो एस्केहेलमिंथीस होती है उसमें फॉल्स कैविटी होती है, और जो प्लैटीहेलमिंथीस होती है उसमें कैविटी होती ही नहीं है। तीसरी कैटेगरी जो आई वो आई यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स यानी कि ट्रू कैविटी वाले, इसको हम फर्दर फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सीजोसिलिक और एक होता है एंड्रोसिलिक। सीजोसिलिक और एंड्रोसिलिक, सीजोसिलिक वो होते हैं बेसिकली, इसके अंदर फिर तीन और फाइलम आते हैं। पहला फाइलम जो है वो है मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो जो कैरेक्टर्स होते हैं मोलस्का के, वो होते हैं कि ये सॉफ्ट बॉडी होता है, जैसे आपने देखा होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मोलस्का का आपका। तो इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, चिकनी होती है बॉडी, और इसके अलावा अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि सेगमेंटेड बॉडी क्या होती है जब हम बात करेंगे ऑर्थोपोड्स की और उसके नीचे वाले कैटेगरी की फाइलम्स की। एनिलिडा दूसरा फाइलम सीजोसिलिक जो कैटेगरी है उसके अंदर आता है, और एनिलिड जो होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। अब यार देखिए इन दोनों में डिफरेंस यही है, ये अनसेगमेंटेड है और ये सेगमेंटेड है, तो इसलिए इन दोनों को फाइलम्स को अलग अलग कर लिया गया है। अनसेगमेंटेड सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं विद नॉन काइटिनस क्यूटिकल। अगर आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स को, अगर आप बात करें कोलियोप्टेरन्स के, कोलियोप्टेरा मान लीजिए आपने करी बात बीटल्स की, या आपने बात करी लेडी बर्ड बीटल ले लेते हैं, आपने सबने देखा होगा लेडी बर्ड बीटल। तो लेडी बर्ड बीटल की बाहर पे अगर आप देखें तो हार्ड इंसेक्ट्स के अंदर क्या होती है, बीटल्स के बाहर पे एक हार्ड कवरिंग टाइप की होती है, वो काइटिन की बनी होती है, तो उसको हम काइटिनियस क्यूटिकल कहते हैं।
तो ये चीज जो होती है काइटिनियस क्यूटिकल वो एनेलिड्स में अब्सेंट होती है, बाहर की जो लेयर है वो काइटिन की बनी नहीं होती है, नॉन काइटिनियस क्यूटिकल होती है, काइटिन के अलावा किसी और चीज की बनी होगी। और अनजॉइंट अपेंडेजेस, आपने अगर कभी ध्यान से कोई इंसेक्ट देखा हो, मान लीजिए आपने कॉकरोच देखा हो, उसके कभी लेग को आप ध्यान से देखिए तो वो क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, उसमें भी जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, फोल्ड कर सकते, तो वो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन वो एनिलिड्स के अंदर ये चीज़ें अब्सेंट होती है, क्योंकि कॉकरोच जो है वो है एग्जाम्पल, एक इंसेक्ट है वो, और वो एग्जाम्पल है ऑर्थोपोड का। तो अगली कैटेगरी जो आई एनिलिड्स के बाद वो आई ऑर्थोपोड्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अपेंडेजेस जो है वो जॉइंट है, तो उनको हमने क्या कर दिया है, उनको हमने ऑर्थोपोडा में डाल दिया है। और उनकी जो बाहर की, जैसे मैंने आपको बताई, जो क्यूटिकल है वो किस चीज़ की बनी होगी, वो काइटिन की बनी होगी। तो एनिलिड्स में और ऑर्थोपोड्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो बाहर की जो लेयर है क्यूटिकल है वो काइटिन की बनी है या नहीं बनी है, अपेंडेजेस जो है वो जॉइंट है या अनजॉइंट है, जॉइंट नहीं है। तो और उसके अलावा जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, दोनों में होती है, वैसे देखा जाए तो बॉडी सेगमेंटेड होती है। बॉडी अगर सेगमेंटेड नहीं है, काइटिन की नहीं बनी है, अनजॉइंट अपेंडेजेस है और बॉडी बहुत सॉफ्ट है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके मोलस्का में। इसके बाद जो तीसरा, जो दूसरा जो एंट्रोसिलिक है, उसके अंदर देखेंगे कि दो फाइलम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड फाइलम है। ये जैसे जैसे हम नीचे को आते जाते हैं, हम देखते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी दिखाता है एक तरीके से, कि कैसे इंडिविजुअल्स जब पृथ्वी पर आए, अर्थ पर आए, तो उनका डेवलपमेंट कैसा होता गया, कैसे कैसे वो लोग एक के बाद एक फाइलम आगे बढ़ते गए और नए नए कैरेक्टर जुड़ते गए, ताकि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला नियम है वो ज़्यादा फिट होता रहा। तो अल्टीमेटली हम जब ह्यूमन बींग्स तक पहुँचे, तो ये सारे फाइलम्स को क्रॉस करते हुए हमने देखा कि आखिरी में दो फाइलम जो बहुत एडवांस है वो है इकाइनोडर्मेटा, जो क्लोजेस्ट है कॉर्डेट्स के, और दूसरा लास्ट वाला है वो है कॉर्डेटा। तो इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, ये सेगमेंटेड बॉडी थी, तो यहाँ पर क्या है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। और इसके अलावा सेकेंडरी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। और ये एक्सेप्शन भी एक तरीके का देखा जाए तो, और ये स्टारफिश और सी अर्चिन जो है इसके एग्जांपल है। स्टारफिश आप सबने देखा ही होगा, तो स्टारफिश की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, पेंटामेरस बॉडी होती है, पांच उसके सेगमेंट, पांच हैंड जैसे आप कह सकते हैं कि इस तरीके का बना होता है। तो ये पेंटामेरस बॉडी होती है इनकी, और इनको हम इकाइनोडर्मेट्स कहते हैं। ज़्यादातर ये एनिमल्स जो होते हैं ये मराइन होते हैं और पानी, खारे पानी में पाए जाते हैं। और उसके बाद आते हैं जो अल्टीमेट हमारा फाइलम आता है, सबसे एडवांस फाइलम आता है, वो है कॉर्डेटा, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है। बायलैटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेड होती है, हमारी बॉडी सेगमेंटेड कैसे है, हेड और बॉडी और लेग्स आप अलग अलग कर सकते हैं ना, सेगमेंट्स होते हैं। इंसेक्ट के भी अगर आप देखें, इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोपोडा में भी जो होता है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, आप तीन भागों में जो है एक ऑर्थोपोड्स को डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को उसके। तो इस तरीके के आप देखते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं सारे के सारे वो सेगमेंटेड होते हैं और बायलैटरल सिमेट्री होती है। और इसके अलावा कॉर्डेट्स का कुछ बेसिक तीन कैरेक्टर हैं जो हर कॉर्डेट के अंदर होते होते हैं। पहला कैरेक्टर जो है कि हर एक कॉर्डेट के अंदर एक नोटोकॉर्ड होगा ही होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है कि किसी न किसी स्टेज में लाइफ में उसके गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे होंगे, जो फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट होते हैं। जैसे हमारे, अगर आप कहीं ह्यूमन बींग्स में कहाँ पर होते हैं गिल क्लेफ्ट, तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोगल स्टेज में जब डेवलपमेंटल स्टेज होता है, उस समय हमारी बॉडी में भी गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल भी है कि जो लाइफ आई वो पानी से बाहर आई, क्योंकि गिल क्लेफ्ट जो होते हैं वो पानी में चाहिए होते हैं। तो एग्जाम्पल एक तरह का ये प्रूफ है कि पानी में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। तो उसके बाद जो है हॉलो ट्यूब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये होगा ही होगा। इसके अलावा एक कैरेक्टर और होता है, वो है पोस्ट एनल टेल, वो प्रेजेंट होगी ही होगी। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से कि कैसे किसी भी कॉर्डेट को हम दूसरे
फाइलम से अलग कर सकते हैं, और बेसिक कैरेक्टर्स किसी भी कोऑर्डिनेट्स के क्या होते हैं इसके एग्जांपल्स आपको पता है। कोऑर्डिनेट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके चारों ओर, जितने भी कैटल्स होते हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कैट है, डॉग है, जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनमें कि जो कैरेक्टर्स ये वाले प्रेजेंट होते हैं, तो उन सबको हम कोऑर्डिनेट्स में डालते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से अंत में हम ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के बेसिक कैरेक्टर्स क्या है। तो हम देखते हैं कि जो एक टिपिकल जो एक मैमल होता है, सॉरी कोऑर्डिनेट होता है, उसको बेसिकली हम इस डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि चार कैरेक्टर्स किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर होंगे ही होंगे। वो चार कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपसे कहा कि उसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे ही होंगे। तो किसी भी एक जब भी उसकी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर एक कोई ना कोई ऐसा क्षण होगा या कोई ना कोई ऐसा पीरियड होगा जिस दौरान वहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स उसके अंदर होंगे ही होंगे। फिशेस के अंदर हम देखते हैं अभी भी होते हैं, तो वो भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो आता है वो आता है नोटोकॉर्ड। एक हॉलो नोटोकॉर्ड जो होगा वो प्रेजेंट होगा ही होगा किसी भी इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट के अंदर। तीसरा आता है डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। कि नर्व कॉर्ड सीएनएस, जैसे मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम एक डॉर्सल हॉलो पूरे अलोंग द बॉडी, पूरा जो नर्व कॉर्ड है वो होगी ही होगी नर्वस सिस्टम की। और पोस्ट एनल टेल, ये भी हमारे अंदर जो होता है, हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेज होता है उस टाइम पर हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, और बहुत से कैरेक्टर्स बहुत से एनिमल्स में अभी भी जो होती है वो टेल प्रेजेंट होती है। तो ये जो चार कैरेक्टर्स हैं ये किसी भी कोऑर्डिनेट को दूसरे फाइलम से अलग करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले यूनिट, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो पहली हमारी फाइलम है प्रोटोजोआ, उसके बेसिक डिटेल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लास लेवल तक उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और इसी तरीके से हम अलग अलग फाइलम्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और देखेंगे कि ये डाइवर्सिटी क्यों है, इतने लाइफ के फॉर्म में इतनी डाइवर्सिटी जो है, ये अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग फॉर्म क्यों हैं और कैसे होती है, और इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। धन्यवाद।